सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर रहे थे कि आप हमें काली देवी का आसान सा अमल बता दें। तो दोस्तों काली देवी के अमल आसान तो नहीं होते, ठीक है, इसको आसान तस्खीर करना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज का जो अमल मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ तो बहुत आसान है। इस अमल को मोमबत्ती पर किया जाता है, ठीक है, मोमबत्ती के शोले पर या मोमबत्ती का जो लू होता है उसमें ये हाजिर हो जाती है। फिर आप जो है ना इसको तस्खीर भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है तस्खीर के अमल के लिए शरायत वग़ैरह तय करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस अमल में शरायत जो है ना अपनी सोच समझ कर तय कर लें। इस अमल को दोस्तों मुस्लिम गैर मुस्लिम मर्द औरतें जो भी करना चाहे कर सकता है, मेरी तरफ़ से इजाज़त है। आप लोग बार बार जो है ना मुझसे इजाज़त ना मांगा करें, जब मैंने एक बार इजाज़त दे दी है तो आप सब भाइयों को और सब बहनों को इस अमल को करने की इजाज़त है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी मैं अमल अपलोड कर दूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस अमल में कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। वो आपने अमल करने से पहले जो है ना अपने पास ले कर रखने हैं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले आपको एक ब्लैक ड्रेस, ठीक है, आपको एक काला सूट चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है ना जाके एक काला सूट ले लें, अपने लिए सिलवा लें। और इसके अलावा आपको दो टुकड़े काला कपड़े के चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नए कपड़े हों, ठीक है, दो टुकड़े काला कपड़े के चाहिए। अब उसमें 2 फुट के हों, 4 फुट के हों, 6 फुट के हों या फिर 2 मीटर के हों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो है ना आप भाइयों को एक प्लेट चाहिए, कोई भी प्लेट हो लेकिन उस पर कोई फूल ना हो, बिल्कुल सफ़ेद प्लेट हो, बाकी शीशे का हो तो भी चलेगा, अगर प्लास्टिक का हो तो भी चलेगा, लेकिन सफ़ेद रंग का होना चाहिए और उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, यानी कोई फूल भी ना हो और उस पर कोई वर्ड्स वगैरह लिखे भी ना हो। और इसके अलावा आपको एक मोमबत्ती चाहिए, ठीक है, कैंडल जिसको बोलते हैं, आपको एक मोमबत्ती चाहिए और सफ़ेद रंग की मोमबत्ती चाहिए। इसके अलावा आपको एक पान चाहिए, ठीक है, पान जो हम लोग खाते हैं वही पान चाहिए। और उसके अलावा आपको एक फूलों का हार चाहिए, ठीक है, फूलों का हार भी सफ़ेद होना चाहिए, यानी वाइट रोज़ का फूल भी चलेगा और इसके अलावा चमेली का जो फूल होता है वो भी चलेगा। तो दोस्तों अब आप भाइयों ने करना यह है कि सबसे पहले नौचंदी मंगल वाली रात को, नौचंदी मंगल वाली रात को रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपने कोई ऐसी जगह का इंतखाब करना है, ठीक है, जहां पर आप अकेले तन्हा बैठकर अमल कर सकें, आपके आसपास कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप अमल कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल तन्हा होकर अमल करना है, आप घर से बाहर भी कर सकते हैं और घर में ऐसा कोई कमरा आपके पास है जो आप आसानी से अमल कर सकते हैं तो आपने उसी कमरे में बैठकर अमल करना है। इस अमल में कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, इस अमल में आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, आसान सा अमल है। क्योंकि मैं आसान से अमल आप भाइयों तक पहुँचा देता हूँ जिसमें कोई ख़तरा ना हो, जिसमें कोई आपकी जान को ख़तरा ना हो। तो आप भाइयों ने रात को नौचंदी मंगल वाली रात को रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में बैठ जाना है और आपका मुंह जो होगा मशरक़ की तरफ, यानी जिस तरफ सूरज निकलता हो उस तरफ मुंह करके आपने जो है ना बैठ जाना है। और आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहनने हैं और फिर आपने एक जो है ना 2 फुट का
काला कपड़ा बिछा के उसी पे बैठ जाना है, और उसके अलावा आपको 1 मीटर का काला कपड़ा अपने ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद आपने जो प्लेट लिया था वो आपने अपने से 2 फुट दूर पे रखें, फ्रंट पे रखना है, अपने सामने रखना है लेकिन 2 फुट दूर रखें, और उसमें जो है ना आपने पान रखना है, मीठा पान होना चाहिए। ठीक है, उसमें पान भी आपने रखना है, और उसके अलावा आपने जो हार लिया है, ठीक है, वो वाइट रोज़ का जो हार लिया है आपने या चंबेली का हार जो आपने लिया है, तो वो भी उसी प्लेट में रखना है, और सामने मोमबत्ती जला के आप भाइयों को ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र मैं पढ़ के आप भाइयों को सुना दूंगा ताकि आप लोग इसमें पढ़ने में कोई गलती ना करें। तो मंत्र ये है दोस्तों, काली काली माँ काली, इंदर की बेटी बुरमा की साली, खाए पान बजाए थाली, जा बैठे पीपल की डाली, करे प्यार मारे लाठी, चले जंतर फिरे मंतर, देखूं माँ तेरी हाजिरी का तमाशा। आपने इसी मंत्र को 313 बार 313 बार आपने इसी मंत्र को वहाँ जो है ना बैठ के पढ़ना है, और नज़रें जो हैं आपकी आँखें जो है ना वो मोमबत्ती की लू पे होनी चाहिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर मोमबत्ती की लू से जो है ना आप भाइयों को एक शक्ल नज़र आ जाएगी, जैसे कि एक लड़की की शक्ल है और उसके बाल खुले हुए हैं और काली उसकी रंगत है। ठीक है, तो दरअसल वो काली की हाज़िरी हो जाती है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हाज़िर होती जाएगी। ये अमल आप भाइयों ने 21 दिन तक करना है। ठीक है, जब पहले दिन अमल कंप्लीट हो गया तो वो पान आपने खुद खाना है, और वो फूलों का हार जो है ना आपने किसी भी पानी में बहा देना है। और इसके अलावा आप भाइयों को रोज़ाना पान लाना है, इसी तरह रोज़ाना फूलों का हार भी लाना है। जैसे अमल कंप्लीट हो जाए पान खुद खा लें और फूलों का हार जो है ना वो आप किसी पानी में बहा दें। जब आखिरी दिन हो जाए तो यह हाजिर हो जाए पूरी तरह से, अपनी पूरी शक्ल में आ जाए, सामने आ जाए, तो सबसे पहले आपने उसके साथ जो है ना शरायत तय करने हैं, और वही पान जो आपने रखा हुआ था वो आखिरी दिन आपने उसी काली देवी को दे देना है। ठीक है, और फूलों का हार भी आपने उसी को पहना देना है, और वो हाजिर हो जाए तो आपने उसके साथ शरायत तय करने हैं। ठीक है, शरायत आपने हर सूरत में तय करने हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि उसके शरायत बड़े अजीब होते हैं। आपने शरायत सोच समझ कर तय करने हैं, उसके बाद फिर वो आपकी तस्खीर में आ जाएगी। आप जिस तरह के काम भी लेना चाहें आप उस काली देवी से ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान अमल है, बहुत प्यारा अमल है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।